हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप एवरीवन इज फाइन। तो पिछले वीडियो में हमने टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 88 कर लिया था। आई होप सबने अपना होमवर्क भी कर लिया होगा अच्छे से ऑबिडेंटली, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक में हमारा चैप्टर नंबर 5 नंबर्स फ्रॉम 10 to 20 हो गया है कंप्लीट। सो अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 इन दिस नोटबुक। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, टिक द मोर, ठीक है। जिसमें ज्यादा है वहां हमें करना है टिक, इट्स वेरी सिंपल। चलिए अब यहां पर कुछ सर्कल दिए हैं, यहां पर कुछ ट्रायंगल्स दिए हैं, राइट। देख लेते हैं कि यहां पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पर 10 सर्कल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहां पर 9 ट्रायंगल्स हैं, राइट। तो यहां पर ऑलरेडी टिक तो किया हुआ है, लेकिन आपको कैसे करना है, आपको काउंट करके फिर देखना है किसमें ज्यादा है वहां पर कर देना है टिक। तो इसमें 10 थे, यहां पर 9 थे, तो राइट आंसर इज 10। नेक्स्ट इज, यहां पर कुछ स्क्वायर्स दिए हैं, यहां पर कुछ स्टार्स दिए हैं, लेट्स काउंट कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहां पर 11 स्क्वायर्स हैं, यहां पर स्टार्स कितने हैं, लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहां पर 11 है, यहां पर 9 थे, तो राइट आंसर हो जाता है स्क्वायर्स, ठीक है, इस तरफ आ जाएगा टिक। उसके बाद क्या है, यहां पर कुछ स्माइलीज हैं, यहां पर कुछ सैड फेसेस हैं। अब यहां पर तो दिख ही रहा है कि ये बहुत कम है, ये थोड़े ज्यादा है ना। तो अगर ऐसा हो जहां पर हमें मतलब कि ज्यादा दिख रहे हो, मतलब काउंट करने की जब जरूरत ना हो, तब डायरेक्टली टिक कर दिया करो। यहां पर जैसे कि टिक किया हुआ है वैसे टिक कर दिया करो, ओके स्टूडेंट्स। सो ऐसे ही आपको करना है टिक द मोर, प्रैक्टिस करना है अपनी नोटबुक में, सेम आपको ऐसे ही ड्रॉ करके अपनी बुक में बिना देखे आंसर्स लिखने, ओके। क्योंकि यहां पर तो मैंने सिखा दिया है, तो बिना देखे लिख सकते हो। नेक्स्ट इज, राइट द मिसिंग नंबर्स। अब यहां पर क्या करना है, हमें मिसिंग नंबर्स लिखने हैं, ये तो फेवरेट वाला काम होगा, राइट। चलिए देखते हैं कि फर्स्ट वाले रो में क्या है, 8 के बाद वाला नंबर नहीं लिखा है, फिर 10 लिखा है, 10 के बाद वाला नंबर नहीं लिखा है, फिर उसके बाद वाला नंबर भी नहीं लिखा है, 13 के बाद वाला नंबर नहीं लिखा है, और 15 लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब लाइन बाय लाइन हम सारे नंबर्स लिखते जाएंगे। 8 के बाद आता है 9, 10 के बाद आता है 11, देन 12, 13 लिखा हुआ है, 14, और लास्ट में 15 लिखा हुआ है, ठीक है ना, एकदम सिंपल। नेक्स्ट इज, यहां पर क्या दिया है, 10, 10 के बाद आता है 11, 12 लिखा हुआ है, 12 के बाद 13, के बाद 14, 15 लिखा हुआ है, देन कम्स 16, और लास्ट में 17 ऑलरेडी लिखा हुआ है। फिर लास्ट वाला रो करते हैं कंप्लीट, ठीक है। यहां पर क्या है, 14, 14 से पहले कौन सा नंबर आता है, फटाफट गैस करो, 14 से पहले कौन सा नंबर आता है, 14 से पहले आता है 13, राइट। फिर 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, फिर आ जाएगा 17, देन कम्स 18, देन कम्स 19, एंड एट लास्ट 20, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आज के लिए बस इतना ही, आप ये सेम एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।